आज हम डिस्कस करेंगे 29 फरवरी को। 29 फरवरी एक बहुत ही ख़ास दिन है। इस दिन को लीप डे और लीप ईयर डे भी कहते हैं। आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसा कोई ना कोई तो ज़रूर होगा जिसकी 29 फरवरी को बर्थडे आती है और उसका आपने मजाक भी उड़ाया होगा। ये दिन हर 4 साल में सिर्फ एक बार आता है और जिस साल ये दिन आता है उस दिन को लीप ईयर और जो लोग इस स्पेशल डे को पैदा होते हैं उनको लीपलिंग्स कहा जाता है। लीप ईयर क्या होता है ये तो आप सबको मालूम हो गया होगा। अब जाने अनजाने में आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि लीप ईयर कैसे और क्यों आता होता है। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि जो हमारा पूरी दुनिया में जो ग्लोबली एक स्टैंडर्ड कैलेंडर हम फॉलो करते हैं वो बेसिकली सोलर कैलेंडर है। अब सोलर कैलेंडर का कॉन्सेप्ट ये है कि वो डिपेंड करता है सन के अराउंड अर्थ की मूवमेंट पर। आप सबको मालूम होगा कि ये जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं इसमें 12 मंथ्स यानी कि 12 महीने होते हैं फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और अगर इन सारे महीनों को के जो दिन हैं अगर हम उनको ऐड करें और उनको फिर हम आखिर में सम करें तो बनते हैं 365 डेज। यानी कि अगर आप ये कहें कि जब अर्थ सन के अराउंड अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो 365 डेज में करता है तो शायद आप गलत ना हो लेकिन आप पूरी तरह सही भी नहीं हैं, क्योंकि एक्यूरेटली जो अर्थ का सन के अराउंड डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 365.25 डेज है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि एक साल जो मुकम्मल होता है वो खाली 365 दिनों में नहीं, 365 दिन और 6 घंटों में। यानी अगर मैं और आपके लिए आसान कर सकूं तो 365 दिन और 6 घंटे। अब आए हम इस पर थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाते हैं। जैसे एक साल जब हमारा मुकम्मल होगा तो हमारे पास 6 घंटे आ गए, दूसरे साल में वो हो गए 12 घंटे, तीसरे साल 18 घंटे और चौथे साल तक पहुँचते वो हो गए 24 घंटे। इस तरह हमारे पास पूरे एक दिन का इजाफा हो गया जो कि हम अपने कैलेंडर में 29 फरवरी के तौर पर शामिल करते हैं। ठीक है, जिस साल ये दिन शामिल किया जाता है उस साल को लीप ईयर कहते हैं और जिन साल ये दिन नहीं होता यानी वो साल जिनमें 29 फरवरी नहीं है उनको कॉमन ईयर्स कहा जाता है। साल 2020 जो कि लीप ईयर है, जैसे कि हम आज 29 फरवरी जो है का दिन हम मना रहे हैं, और पिछली दफ़ा ये साल 2016 में आया था और अब जो आएगा ये अगला ये 4 साल बाद यानी 2024 में आएगा। तो आप सबको ये ख़ास दिन मुबारक हो और ये साल मुबारक हो लीप ईयर का, और उन तमाम लोगों को सालगिरह मुबारक, उन तमाम लीपलिंग्स को जिनकी ये 4 साल में जो अपनी सालगिरह एक बार मनाते हैं। लीप डे के लिए फरवरी का ही इंतखाब क्यों हुआ और दूसरे महीनों के नाम कैसे पड़े और उनकी कहानी क्या है, ये जानने के लिए ऑफ द स्कूल को सब्सक्राइब करें।